यादव का ट्वीट, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, अपनी गिरफ्तारी पर उठाया सवाल, कुछ दिन पहले पुराने केस में हुई थी गिरफ्तारी। बिहार में कोरोना के केसों में आई गिरावट, 24 घंटे में 7,494 नए मामले, अस्पताल में खाली होने लगे बेड। झारखंड में कम हो रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटों में 3,776 नए मामले आए सामने, 7,112 मरीज हुए स्वस्थ। समस्तीपुर में पुलिस की टीम पर हमला, लॉकडाउन का अनुपालन कराने निकली थी पुलिस वाहन को किया गया क्षतिग्रस्त। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार में पॉजिटिव लॉकडाउन, बिहार में लॉकडाउन लगे 10 दिन हो गए। लॉकडाउन का नतीजा है कि 10 दिनों में संक्रमण के अब नए केस अब करीब करीब आधे अब हो गए। 5 मई के पहले तक सूबे में एक दिन में 15,000 से लेकर 13,000 संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन 5 मई को लॉकडाउन प्रभावी होने के बाद तीसरे दिन से मामले कम होने लगे और करीब 10 से 11 दिन के बाद अब मामले अब आधे हो गए। लेकिन विपक्ष है कि सरकार के जारी आंकड़ों को गलत अब ठहरा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने में लगी है। स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी तो लगातार जा रही है, लेकिन विपक्ष का यह कहना कि नहीं, ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं इन आंकड़ों में बड़ा झोल है, इन आंकड़ों में बड़ी बाजीगरी की जा रही है, यह कहना विपक्ष का। आरजेडी ने कहा कि आंकड़ों का खेल है। देखिए ट्वीट आप देखिए, आरजेडी की ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया ऑफिशियल, जहां पर लिखा गया कि बिहार सरकार दावा कर रही है कि कोरोना संक्रमण की संख्या जो लगातार कम हो रही है वो आंकड़े गलत है। देखिए बिहार में लॉकडाउन का असर, तारीख 11 मई को संक्रमित थे 1,920, 72 मौतें, रिकवर हुए 13,852। 10 मई को भी लगातार गिरावट देखी गई और फिर उसके बाद 14 मई 13 मई, फिर उसके बाद 12 मई। देखिए ग्राफ जो है किस तरह से लगातार दिन प्रतिदिन ये गिरता हुआ। अस्पतालों में लगातार बेड भी अब खाली हो रहे हैं। तो चलिए रिपोर्टर कुमार गौतम लाइव अब जुड़ गए हैं। गौतम, लगातार कोरोना के केसेस में गिरावट, ये एक शुभ संकेत है क्योंकि जो लगातार ग्राफ बढ़ने लगा था कोरोना का, कई लोग इसकी चपेट में आए, कई लोगों की जिंदगियां इसकी आगोश में समा गई, लेकिन अब गौतम लगातार एक ग्राफ गिरता हुआ और एक ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी ये सफलता, लेकिन विपक्ष इस पर अब सवाल खड़े कर रहा है। गौतम, बिल्कुल सागर, ये लेकिन सरकार की सफलता नहीं कहेंगे, सरकार की सफलता इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि विपक्ष उस पे अड़ंगा लगा रहा है। विपक्ष ये बोल रहा है कि जो आंकड़े हैं उसके साथ हेर फेर की जा रही है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं और सरकार की आंकड़ों की जो कह सकते हैं कि जो आंकड़ों की कालाबाजारी कह लें वो ये आरोप लगा रही है। लेकिन सरकार ने एक निर्णय लिया, वो है लॉकडाउन का, चाहे वो जिस कारण से लेना पड़े, पहले लिए होते तो आज ये आंकड़ों में और कमी आती, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला लेने में देर कर दी। लेकिन जब भी लिया अच्छा लिया, 15 दिनों का लॉकडाउन का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण रहा, उसी का असर है कि आज संक्रमण का कम का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे कमता जा रहा है। दूसरी बात, एक लॉकडाउन पार्ट टू पे चला गया, यानी 10 दिनों का और लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि सरकार जानती है ये कि जिस तरह से आईएमए ने पहले कहा था, बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जब सपोर्ट किया था, सामाजिक संगठनों ने जब कहना शुरू कर दिया कि अब आप लॉकडाउन लगाइए वरना बिहार बेबस नजर आएगा, लाचार नजर आएगा, यही हुआ भी। बिहार के अंदर कोरोना का ग्राफ इतना तेजी से फैला कि राजधानी पटना में 5,000 के आसपास के आंकड़े नजर आने लगे और जो आंकड़ा पूरे बिहार का था वो 20,000 के पार कर गया। तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत नाजुक थी, अस्पताल के अंदर बेड नहीं थे और जो बेड थे उस पर 2-2 मरीजों को रखना, ऑक्सीजन की कमी, साफ तौर पे 1 महीने के अंदर जो आनंद फानन में जो मरीज थे वो उन्होंने भी लिया, जो मरीज नहीं थे जिनके अटेंडेंट नहीं। लेकिन गौतम, जो आपने जिक्र किया, आपने ये बात कही कि नहीं ये सरकार की सफलता नहीं है, सरकार ने लॉकडाउन जैसा फैसला लिया, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई, आंकड़ों में देखिए हेर फेर तो है क्योंकि जो शमशान घाट है वहां पर जलते हुए शव, ये अंगारे जो उठ रहे हैं वहां से, वो बता रहे हैं कि हाँ मौतों का आंकड़ा काफी है जो आंकड़ों में कम दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या हम ये माने कि बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है, लोग जल्दी अब रिकवर कर रहे हैं,
इस वजह से आंकड़े कम हुए, क्या सरकार की थोड़ी बहुत भी यहां पर आपको नहीं लगता कि भागीदारी है इसमें? सागर, पहली बात तो मैं अभी भी यही इस बात को रिपीट करूंगा कि इसमें सरकार की सफलता कहीं से नहीं है। सरकार ने निर्णय जानबूझकर निर्णय लेना होता तो सरकार ने 15 दिन पहले ये निर्णय ले लिया होता, लेकिन ये मजबूरी में लिया गया निर्णय था, सामाजिक संगठनों के द्वारा कहने पर लिया गया, आईएमए ने जब हाथ खड़े कर दिए तब ये निर्णय लेना पड़ा। तमाम मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि ना आपके पास बेड है ना ऑक्सीजन है, तो ऐसे में लगातार बढ़ रहे 20,000 आंकड़ों को अगर आप देखें तो अगर उसमें 10% भी यानी 200 बेड भी अगर अति गंभीर यानी अति मतलब कि मरीजों के संक्रमण का दायरा अगर उसमें ज्यादा होता तो वो उनको बेड मुहैया होनी चाहिए थी, तो वो सरकार नहीं कर पा रही थी, ऑक्सीजन की कमी में हाथ पांव फूल रहे थे सरकार के, तो सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस निर्णय का जो अक्षर से पालन किया है वो बिहार की जनता ने किया है। जो लोग संक्रमण के दायरे को आज कम कर रख के देख रहे हैं तो इसमें सरकार की कोई विफलता या कोई सफलता यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, ये लोगों की जागरूकता का फल है कि लॉकडाउन के इस डिसीजन के बाद लोगों ने अपने घरों में। गौतम लौट कर आऊंगा, चित्रंजन गगन आरजेडी के नेता फोन लाइन पर। चित्रंजन जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में, धन्यवाद। चित्रंजन जी, जो आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लगभग 50% देखा जा रहा है कि आंकड़ों में कमी देखी जा रही है शुरुआती दौर की अपेक्षा, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को कि इसमें हेरफेर किया जा रहा है आंकड़ों में? ये जो जिनको बनाया गया है स्वास्थ्य विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया है प्रदेश अमृत को, इसमें माहिर है, आंकड़ा का हेरा फेरी करने में माहिर है, और जो है सो यह आंकड़ा केवल हेरा फेरी करके यह दिखाया जा रहा है कि यहाँ मैंने सुधार हो रही, स्थिति में सुधार है, क्योंकि गांव में अब तो गांव में फैल चुका है कोरोना, जो है गांव में फैल चुका है, लोग एडमिट नहीं है अस्पताल में, गांव का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया पंचायती राज के से जो जुड़े हुए प्रतिनिधि है उनको कि ऐसे गांव में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं या जिनकी मृत्यु हो रही है कोरोना से उसका रिपोर्ट आप कीजिए, तो जब खुद हाईकोर्ट इस बात को मान रही है कि सरकार जो है सो सही आंकड़ा नहीं दे रही है, सरकार आंकड़े को छुपा रही है, तो फिर उसके बाद में अब कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती है जी। तो चित्रंजन जी क्या लग रहा है कि अभी और क्या सराहनीय कदम उठाने होंगे सरकार को तब जाकर आंकड़ों में और कमी देखी जाएगी? और जो लगातार देखिए पॉजिटिविटी जो रेट है वो दिन प्रतिदिन अब गिरते जा रहा है, संक्रमित होने वालों की संख्या से कहीं गुना ज्यादा देखा जा रहा है कि अब ठीक होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, क्या जो अस्पताल जो दावे पेश कर रहा है वो भी गलत है? हेलो, आप बताइए चित्रंजन जी, बोलिए। हाँ, कह रहे हैं कि शहर में जो कुछ आंकड़ा कम लग रहा है तो वह लॉकडाउन जो लगा है उसका असर है, शहर में कुछ आंकड़ा पहले ही कम हुआ हो, लेकिन अब तो गांव में गांव गांव में फैल चुका है, हर गांव में अब जो है सो पेशेंट मान एक तरफ से घर के घर लोग जो है सो संक्रमित हो गए हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं। देखिए ये जो लाइन है चित्रंजन जी, ये जो आपने बोला है कि हाँ लॉकडाउन लगाने से आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आंकड़े तो बिल्कुल कम नहीं हुए, ये केवल आंकड़ों में हेरफेर है। सर एक ही पार्टी की तरफ से दो बातें सर कही जा रही हैं, सर ये सही नहीं लगता है? नहीं नहीं, मैं जो बताया आप नहीं समझे इसको आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब यह कोरोना शहर में नहीं रह गया, गांव में फैल गया है, गांव में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं, शहर में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है तो शहर में क्योंकि लॉकडाउन लगा है उसका असर कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब तो शहर तक रहा नहीं है तो गांव गांव में फैल चुका है, गांव गांव में आप जिस गांव में जाइए वहीं पर आपको एक तरफ से पता चलेगा कि यहाँ लोग संक्रमित हैं, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हाई कोर्ट कल कर दिया, हाई कोर्ट खुद जो है तो सरकार के जो दावे हैं जो चित्रंजन जी, जब विपक्ष का काम ही है सर, अगर सरकार अगर बेहतर काम नहीं कर रही है तो आप लोग हर बार क्या किए, आप लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद की, आप सड़कों पर आए, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आप लोगों ने जनता तक सुविधाएं पहुंचाई। चित्रंजन जी मेरा ये कहना है कि अगर गांव तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, सर आपके भी सबसे अधिक विधायक जीत कर आए, सर आपके पास भी पावर काफी, आप भी सर लोगों तक के बीच आप जा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं गांवों तक कस्बों तक पहुंच के। सवाल उठा रहा है, आप क्या कह रहे हैं कि सड़क प्रदर्शन करने के लिए और माने कोरोना का प्रोटोकॉल के खिलाफ में सड़क उतरने के लिए केस करवाइएगा, 5 वो केस तो हो गया तेजस्वी यादव के खिलाफ,
हमारे लोग लगे हुए हैं हर गांव गांव में, सब जगह लगे हुए हैं, गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, डॉक्टर का व्यवस्था कर रहे हैं, दवा बांट रहे हैं, सामुदायिक भोजन चला रहे हैं। सरकार कहाँ पर है? सरकार कहीं है क्या? सरकार के घर में घुसी हुई है केवल बयान जारी करने के लिए, जनता के लिए, और मारे झूठ साठ बयान देने के लिए। सरकार कहाँ है? नीतीश कुमार निकल रहा है एक अन्य मार्ग से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चित्रंजन जी, वक्त थोड़ा कम है बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। गौतम क्या लग रहा है, जिस तरह से चित्रंजन जी का ये कहना कि अब जो मौजूदा समय में हालात हैं गांव में बिगड़ रहे हैं, ये तो सच बात है कि गांव में जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कई ऐसे परिवार हैं उनके कई सदस्य इस कोरोना के काल में चले गए, तो ऐसे में गांव में क्या सरकार का फेल्योर वाकई में देखा जा रहा है? वहां पर प्रशासन की वो मुस्तैदी नहीं है जो होना चाहिए, वो जागरूकता नहीं है गांवों में? गौतम देखिए सागर, इस तरीके से समझना होगा कि बिहार के अंदर जो बेबसी और लाचारी थी, सरकार ने पिछले एक साल से सबक नहीं लिया, और सबक नहीं लेने के कारण यही था कि कोरोना का जब पीक आ बढ़ाया तो सरकार के हाथ पांव खुल गए। ना तो सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र था कि बढ़ते मरीजों की तादाद को बेड मुहैया करा सके, क्योंकि एक साल से फेलियर रही सरकार। सरकार इलेक्शन में रही, सरकार अपने गठन में बनाने में रही, सरकार मंत्रिपरिषद का विस्तार करने में रही, सरकार कैसे दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ा जाए इसके लिए ज्यादा चिंतित थी। कोरोना के बारे में किसी ने नहीं सोचा, इवन की आम जनता भी भूलती चली गई थी। मास्क पहनना छोड़ दिया, हाथों को धोना छोड़ दिया, सैनिटाइज करना छोड़ दिया, अपने अपने कामों में फिर से लगा कि बिहार एक बार पटरी पर आ गया सब कुछ। लेकिन कोरोना एकदम साइलेंट वेव में चल रहा था और उसकी रफ्तार तेज नहीं थी। ठीक उसी तरीके से, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक उसी तरीके से जैसे बाढ़ के वक्त में जो पानी बहता है और जो किनारे का इलाका होता है, जो उसकी नदियां, जो मिट्टी जो कटाव होती है, तो पानी के धार से कटती है और अचानक से मिट्टी ऊपर से गिर पड़ता है, भड़ाक से जिसको बोलते हैं। तो ये कोरोना का विस्फोट उसी तरीके से हुआ। सरकार सहम गई थी, सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। स्वास्थ्य विभाग अभी तक मेदांता अस्पताल तक में, जहां पे एक साल पहले यही केंद्र की सरकार, यही राज्य की सरकार, दोनों सरकारों ने कहा कि हम तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार और केंद्र की सरकार को अगर मिला लें तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही थी। लेकिन सिर्फ हवा हवाई, कागजों पर सिर्फ बेड बढ़ाए गए, किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर अचानक से जरूरत हो जाए तो कहां से कोई ऐसा व्यवस्था कर सकेगी सरकार। और इसके साथ ही जब सरकार का दवाइयों के ऊपर, मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए कालाबाजारी की घटना रातों रात हुई, रेमडेसिविर मार्केट से खत्म हो गया। तो ये सारी कमियां सरकार को पता नहीं कब तक ये पूरा कर पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अगर बिहार के अंदर तस्वीर बदल रही है, कोरोना का ग्राफ गिर रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। सरकार चाहे जो भी रहती, किसी भी पार्टी की रहती, बिल्कुल जो संक्रमण की चैन को तोड़ना चाहती थी सरकार, कहीं ना कहीं उस हद में, उस कोशिश में सफल हुई और लॉकडाउन ही वजह है जिसके कारण आंकड़ों में अब कमी लगातार अब देखी जा रही है। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। जिस तरह से लॉकडाउन के कारण ये कहना तमाम एक्सपर्ट का भी कि गिरावट आई है कोरोना के मामलों में, लेकिन ये गिरावट क्या बरकरार रहेगी आगे भी? जो लगातार मामले सामने आ रहे थे तेज गति से, वो मामले अब थमते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। 14 मई को देखिए 7494 मामले, 13 मई को 7752। हर दिन ये ग्राफ जिस तरह से डाउन हो रहा है और रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, ये अच्छे संकेत है बिहार के लिए। और पूरे देश में भी अगर देखा जाए तो आजकल अब हालात सुधरने लगे हैं, पॉजिटिव ये खबर है, क्योंकि इस तरह से नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में कि क्या कोरोना इतना भयावह हो चुका है, लोगों की लगातार जाने जा रही हैं, अगर मुझे भी कोरोना हो गया तो क्या मैं बचूंगा या नहीं, और लोग इस तरह की चिंताओं में, परेशानियों में सोचते वक्त लोग, कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इसीलिए ऑक्सीजन लेवल जो लगातार लोगों का डाउन हो रहा है, ये भी बड़ी वजह उसके पीछे है। लेकिन अब सवाल यह कि क्या अंधविश्वास से भागेगा कोरोना, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से लोग इस कदर त्रस्त हैं कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस पर विश्वास नहीं रह गया, बल्कि वे जरूरत से ज्यादा पूजा पाठ भी अब करने लगे हैं। सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिल जाए। देखिए अब हवन पूजन किस तरह से किया जा रहा है, तांत्रिक पूजा को अंजाम दिया जा रहा है, बाकायदा सभी लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं।
कई जगह तो ऐसे भी हमने देखी जहां पर लोग कोरोना माई की लोग पूजा कर रहे हैं, लोग जल चढ़ा रहे हैं सुबह सुबह शाम के टाइम, जिस तरह से छठ के पर्व में पूजा की जाती है। ये अंधविश्वास का आलम है लोगों के जहन में। ऐसा लगता है कि लोगों का विश्वास अब पूरी तरह से मेडिकल साइंस से उठ सा गया है। महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना आप करिए, आप ईश्वर से आप प्रे तो करिए, लेकिन इस तरह की तस्वीरें। हर साल तो होता ही है, इसलिए अभी महामारी के चलते, कोरोना के चलते माँ से विशेष रूप से माँ से भी मांगा गया, माँ ये जो कोरोना कोरोना हो रहा है इसको आप सबको मन को शांति दीजिए और कोरोना को हटा दीजिए, यही बोल के माँ के पास आहुति किया गया, माँ के पास पुष्पांजलि दिया, बस बलि भी दिया। हाँ, बलि तो हर तमें पड़ता ही यहाँ, आप विशेष रूप में मैंने इसलिए दिया गया, उसका संकल्प करके कोरोना हट जाए और विश्व में जो भी कष्ट हो रहा है करुणा के नाम पर वो हट जाए और सबको सत बुद्धि दे, जो दिन सत बुद्धि आ जाएगा। तो महामारी से मुक्ति के लिए जिस तरह से हवन पूजन का कार्यक्रम कई जगहों पर, अंधविश्वास इस चरम पर है कि लोग अब केवल और केवल पूजा पाठ पर विश्वास कर रहे हैं, बेशक वो सावधानियां ना बरतें ना तो प्रोटोकॉल का पालन करें, उन्हें ये लगता है कि पूजा पाठ हवन करने से कोरोना खत्म हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर। प्रशांत जी, मेडिकल साइंस से क्या लोगों का विश्वास उठ गया है? कई जगहों पर हमने भी देखा लोग जैसे छठ में पूजा की जाती है वैसे लोग कोरोना माई की पूजा कर रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये दैवीय शक्ति है, और आज के दिन भी तस्वीरें देखिए हवन पूजन किया जा रहा है। क्या ये जो तस्वीरें देखी जा रही हैं ये तस्वीरें और भी भयावह हो सकती आने वाले समय में? प्रशांत जी देखिए सागर, जिस तरह की अभी जो प्रकोप है कोरोना का, COVID-19 का, वो इस तरह से पूरे देश में फैला हुआ है कि मेडिकल साइंस इसमें फेल हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जब अस्पतालों में मेडिसिन से डॉक्टरों से पूरी राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में लोगों ने फिर से दैवी चमत्कार की तरफ अपना रुख मोड़ लिया है, और यही वजह है कि लोग जो है पूजा पाठ पर यकीन करने लगे हैं, जबकि यह अंधविश्वास है क्योंकि अपना मेडिकल साइंस जो है वो काफी आगे बढ़ चुका है और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वायरस है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पूजा पाठ हवन अगरबत्ती दिखाकर या किसी बलि किसी पशु की बलि दे करके इसको रोका जा सकता है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे दो तीन दिन पहले एक खबर आई थी जब बघा के इलाके से कि लोग मैदानों में औरतें जो हैं वो चूल्हा जला करके और कोरोना को भगा रही थी, तो जो अंधविश्वास की तरफ अचानक से लोग टर्न कर रहे हैं इसके पीछे सागर यही वजह है कि जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए, जिस तरह से लोगों को इस कोरोना में संक्रमित होने के बाद उनको दवाइयां मिलनी चाहिए, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलने चाहिए, वेंटिलेटर होने चाहिए, और इसकी जब कमी लोग देख रहे हैं तो वो पूजा पाठ की तरफ टर्न कर रहे हैं। आपको एक चीज बता दूं कि जब प्राचीन काल में भी इस तरह की कोई दैवीय विपदा आती थी तो लोग जो ऋषि मुनि होते थे वो पूजा पाठ पर यकीन करते थे, और अभी भी जो तांत्रिक हैं जो पुजारी हैं वो ये मान्यता लेके चल रहे हैं कि पूजा पाठ करने से लोगों को राहत मिलेगी, कोरोना के चपेट में आए लोग भी बचेंगे और जो अभी तक चपेट में नहीं आए हैं उनकी सुरक्षा भी इससे हो सकती है सागर जी। लेकिन प्रशांत जी क्या ऐसे में करना चाहिए, क्योंकि अगर खुले में हवन पूजन इस तरह की तस्वीरें अगर देखी जा रही हैं तो यहाँ पर एक जागरूकता की भी कमी देखी जा रही है, प्रशासन को भी यहाँ पर मुस्तैदी अब दिखानी होगी जहां पर लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रशांत जी देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है कि जब लोगों की आस्था किसी चीज पर होती है तो उसको नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि उसके बाद लोगों को यह लगेगा कि प्रशासन उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये जो भी लोग हैं जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, ये सीमित लोग हैं जिनको ये यकीन है कि मेडिकल साइंस कमजोर हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेडिकल साइंस ने अपने देश नहीं, जिस तरह से DRDO ने 2DG का अभी ये आविष्कार किया है और उसको उसका निर्माण चल रहा है,
जो कोरोना से बचने के लिए और कोरोना की बीमारी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, जिसके परीक्षण के बाद ये रिजल्ट आ गए हैं। तो ऐसे में अगर कुछ लोग अगर इस तरह की आस्था कर रहे हैं, हाँ इतना जरूर है कि यह पूरी तरह से देश में ना फैले, बिहार में ना फैले, इसको लेकर के प्रशासन को जागरूक करना चाहिए कि कोरोना कोई बैक्टीरिया नहीं है कि आप इसको एक बार में हटा देंगे। यह एक वायरस है और वायरस से लड़ रहा है पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व लड़ रहा है। यह वैश्विक ये लड़ाई है और इस लड़ाई में सबको मेडिकल साइंस के साथ चलना होगा। यह प्रशासन की तरफ से इस तरह के विज्ञापन आने चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने चाहिए, क्योंकि आस्था से इसका निराकरण नहीं हो सकता है, यह लोगों को बताना चाहिए। लेकिन जो लोग अगर आस्था पर यकीन कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए, वो अपना करें, क्योंकि इससे एक बात तो है कि उनके आत्मिक शांति मिलती है, और जहां आत्मिक शांति मिलती है वहां उनको लगता है कि उनका आत्मबल बढ़ा है, और कोरोना से लड़ने के लिए आत्मबल का सबसे बड़ा आवश्यकता है। सागर जी, चलिए शुक्रिया प्रशांत जी पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थनाओं का दौर अब जारी, पूजा पाठ का दौर अब जारी, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री इस पर लगातार मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के मामले में झारखंड के शहरों की स्थिति काफी भयावह है। वहीं अब कोरोना धीरे धीरे अपना पांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पसारने लगा है। राजधानी रांची से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दिनों की तुलना में अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। लोग महामारी की चपेट में आ रहे हैं। गांवों में बढ़ते संक्रमण के बाद सरकार की नींद भी अब उड़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि विगत दिनों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से राज्य के अंदर शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते लोगों की मृत्यु हुई और लोग बाग भटकते रहे। तो ग्रामीण क्षेत्र और सुदूर क्षेत्र जो है वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हालत है। तो ऐसी स्थिति में अगर संक्रमण ने अपना पैर पसार लिया गांव में तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी। लेकिन इस सरकार के रहते ऐसा लगता है कि संक्रमण रोकना इनके बूते की बात नहीं है, क्योंकि जो पैंडेमिक को लेकर इन लोगों ने नियम बनाए वो पूरे राज्य में एक समान रूप से लागू नहीं हो रहा है। तो गांव में आलम यह है कि पूरा गांव कई जगहों पर संक्रमित देखा जा रहा है, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, और इसीलिए अब ये चिंतित कर देने वाले आंकड़े और ये तस्वीरें हैं। रांची की ये तस्वीर, संवाददाता करिश्मा सिन्हा लाइव जुड़ गई हैं। करिश्मा, गांवों में जो लगातार संक्रमण बढ़ते चला जा रहा है, इसकी बड़ी और मुख्य वजह क्या निकलकर सामने आ रही है झारखंड में? करिश्मा जी सागर, देखिए सबसे बड़ी तो यहाँ पे लापरवाही साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अगर बात यहाँ पे पहले शहरी क्षेत्र की करें तो शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा का जो अभाव है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, और अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो जब शहरी क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुरक्षा अभाव ये पड़ रहा है तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में कैसे नहीं पड़ेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी लगातार 3 दिनों से बात करें तो 3 दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत भय में है। लेकिन बात अगर वहाँ के लोगों की करें तो लोगों में जागरूकता दिखने को नहीं मिल रही है और लोग साफ तौर पर लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी ही अगर कोरोना फैलता रहा तो ये एक बहुत भयावह स्थिति ले लेगा और बहुत भयावह दृश्य भी देखने को भविष्य में मिलेगा। जी सागर, लेकिन करिश्मा क्या तैयारियां की गई इसके लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और क्या अभी तक आपको कुछ ऐसा दिखा सरकार की तरफ से कदम कि गांव में कैसे संक्रमण को कम किया जाए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गांव में ना तो समय पर एम्बुलेंस पहुंच पा रही है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है, प्रशासन की वहां पर उस तरह से मुस्तैदी नहीं है जिस तरह से शहरों में देखी गई, ये भी एक बड़ी वजह है। करिश्मा जी सागर, देखिए अगर बात यहाँ के प्रशासन की करें तो प्रशासन लगातार जो है वो गांव का दौरा कर रहे और
वहां पे कैंप लगा रहे हैं। लेकिन अगर बात यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कोई जागरूकता देखने को नहीं मिल रही, और उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कोरोना नहीं है। लेकिन जब अब कोरोना बढ़ रहा है तब लोगों को लग रहा है कि कोरोना नाम का भी कोई चीज है। अभी देखिए राज्य सरकार लगातार इस चीज पे मंथन कर रही है और लगातार जो बैठक रख रही है कि अगर शहरी क्षेत्र में हाल इतनी बुरी हो गई है तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना बढ़ता गया तो बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। तो इसको लेकर राज्य सरकार लगातार जो है वो मंथन कर रही है और अब वहां पे कैंप लग रही है। लेकिन वहां के गांव से लगातार जो रिव्यूज मिल रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं वो अपना टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं। लोग वहां पे कोरोना का जैसे भी पता चलता है उन लोगों को एक अलग सा पता चल गया है कि जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं या फिर वैक्सीन लेते हैं तो बुखार आ जाता है। तो ये तमाम जो बोल सकते हैं लापरवाही है वो लोगों के द्वारा साफ तौर पे देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि जब राज्य सरकार प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन एम्बुलेंस की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है सागर तो एम्बुलेंस नहीं आता है, लेकिन बात वहां पे कैंप की करे टेस्ट की करे तो वहां पे टेस्ट लगातार हो रहा है। बिल्कुल करिश्मा, तमाम लापरवाहियां हैं जिसके चलते गांव में संक्रमण काफी हद तक अपना पांव पसार चुका है और इसीलिए खतरा अब और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया करिश्मा पूरी जानकारी के लिए। पांव पसार रहा कोरोना गांव में, ऐसा जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गांव में ना तो समय पर एम्बुलेंस पहुंच पा रही है, जागरूकता की कमी, वैक्सीनेशन का वहां पर दौर भी बहुत कम अभी तक देखा गया, उसकी गति भी काफी स्लो है, ये कहना तमाम गांव वासियों का। लेकिन ऐसे में क्या प्रशासन अब कुछ बड़े कदम उठाएगा गांव में संक्रमण को रोकने के लिए, ये देखने वाली बात। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।